नाजरीन, मैं आज बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू। बहुत अच्छी बनती है, बहुत जायकेदार होता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। खास करके मैंने 3 अदद धनिया के साथ के प्याज लिया है, इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। देखिए, इसकी हल्की सी जब गर्म हो जाएगी प्याज, इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी कट करके। ये 3 से 4 अदद है, ठीक है। हमारे प्याज का कलर थोड़ा थोड़ी थोड़ी से चेंज होने लगी है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी, इसको भी फ्राई करूंगा 1 खाने के चम्मच भर के। फ्राई करूंगी तो कच्चापन दूर करूंगी। देखिए, 1 टीस्पून हमारे पास जीरा, इसको भी ऐड करने के साथ ही। देखिए, प्याज मुझे ज़्यादा गोल्डन कलर दे रहा नहीं है, कुछ कुछ प्याज आपको ब्राउन होने शुरू हो गए, कुछ मतलब वाइट कलर के, तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 केजी आलू क्यूब कटे हुए। अच्छी तरह फ्राई हो चुका है ये, और आलू के कलर भी देखिए चेंज हो चुका है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, फ्राई अच्छी तरह हो गई है। मैं इसमें ऐड करूँ 1/2 के जी बैंगन, इस तरह से काट लीजिएगा। हाँ, हसबेंड जाएगा, आप मिर्च डालिएगा, मैं आप हसबेंड जाएगा डाल दूँ। जायका नमक, नमक ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी, थोड़ा कुक करूंगी। इसका अपना पानी, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है, बैगन में से निकला हुआ है, आलू में से। इसको कुक करेंगे इसी पानी में, और जरूरत पड़ी तो फिर मैं बाद में ऐड करूंगी। देखिए, ये हमारी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है इसकी। अब क्या करूँगी, देखिए इसमें हमारे आलू गले नहीं है, कुछ बैगन भी गले नहीं है, तो इसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँ। 1 गिलास के करीब 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, कुक होना शुरू हो गया, इसको गलाएंगे और थोड़ा कुक करेंगे। मिर्ची ऐड करूँगी इसके अंदर में, 6 से 7 7 7 8 होंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। इसको दम पे रख दूंगी अब मैं, क्योंकि हमारे सारे सब्जी सारी गल गई है, तो दम पे रख दूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची हमारी कच्ची है इस वजह से।